सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर रामनगरी अयोध्या पहुंचे। विधानसभा चुनाव 2022 में जीत के बाद सीएम योगी का अयोध्या का ये दूसरा दौरा है। मुख्यमंत्री यहां 22 घंटे तक रहेंगे। वहीं अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले सीएम योगी रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने पहुंचे। फिर उन्होंने आयुक्त सभागार में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेगमपुरा स्थित दलित मनी राम के घर पर भोजन भी किया। वहीं शाम 5 बजे सीएम योगी सर्किट हाउस में संतों से मुलाकात करेंगे। तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये सीएम के अयोध्या दौरे की तस्वीरें हैं। यहां पहली तस्वीर में हम आपको सीएम के अयोध्या पहुंचने की तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी ये तस्वीर है हनुमानगढ़ी में दर्शन की। तीसरी में हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन करते हुए सीएम दिखाई दे रहे हैं। और चौथी दलित परिवार के घर भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम उत्तराखंड के दौरे के बाद सीधा अयोध्या दौरे पर पहुंचे और उन्होंने आज अयोध्या में तमाम परियोजनाओं के जानकारी भी ली है और साथ ही साथ अपने कई कार्यक्रमों में भी इस सम्मिलित हुए। आपको बता दें कि रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन किए, साथ ही साथ पीएम आवास योजना के लाभार्थी के घर जाकर वहां भोजन भी किया। अब शाम 5 बजे सीएम योगी सर्किट हाउस में संतों से मुलाकात करेंगे। पहले रात्रि प्रवास का कार्यक्रम था, प्लान था सीएम योगी का, लेकिन अब उसमें बदलाव कर दिया गया है और अब सीएम योगी 6 बजे ही लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, दूसरा कार्यकाल संभालने के बाद ये दूसरा दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में पहले कार्यकाल से ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने एक रोड मैप के तहत काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि प्रस्तुतिकरण भी करते हैं, लगातार योजना की समीक्षा भी करते हैं और साथ ही साथ अलग अलग योजनाओं के लिए समय भी निर्धारित किया है, 30 दिन का, 100 दिन का, 6 महीने का और 1 साल का और 5 साल का। एक रोड मैप के तहत कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से हर एक जगह जाने दौरे को लेकर वो चर्चा भी रहते हैं। जहीं जहाँ भी जाते हैं वही योजनाओं की बात होती है, परस्पर मिलजुल की बात होती है। अभी उत्तराखंड के 3 दिन के दौरे पर गए थे, वहाँ पर भी कई बड़े परियोजनाओं की उन्होंने बात की है, चर्चा की है। उत्तराखंड के साथ मिलकर विकास के पथ पर आगे बढ़ने का उन्होंने वादा भी किया है और साथ ही साथ वहाँ भी जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का जो होटल था उसको भारतीय पर्यटक आवास के नाम से वहाँ पर भी उद्घाटन किया है। और इसके बाद आज अयोध्या गए, अयोध्या में उन्होंने हनुमानगढ़ी के और रामलला के दर्शन भी किए। उसके बाद पीएम आवास योजना के जो लाभार्थी हैं बसंती और मनीराम, उनके उन्होंने भोजन भी किया है। तो निश्चित रूप से और साथ ही साथ जो वहाँ पर सर्किट हाउस है वहाँ पर उन्होंने कई योजनाओं की बैठक भी की, क्योंकि अयोध्या को एक बेहतर ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपको बता दूँ कि बहुत बड़ी संख्या में चंदा वहाँ पर मिला था, 192 करोड़ की लागत से राम मंदिर का अब तक थोड़ा बहुत निर्माण वहाँ पर हुआ है। अगर निर्माण की बात करें तो लगभग 20 से 22% निर्माण वहाँ हो चुका है और निर्माण का लगातार जारी है, कोशिश की जा रही है कि 2025 तक ये निर्माण पूरा कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर योजनाओं की समीक्षा भी जरूरी है और साथ ही साथ अयोध्या का बड़ा नाम है, क्योंकि जब मोदी सरकार 2019 में आई थी, 14 में आई थी, तब भी ये बड़ा एजेंडा था। 317 की बात करें, 370 की बात करें, चाहे राम मंदिर की बात करें, तो बड़े एजेंडे थे। और बड़े एजेंडे के तहत जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो निश्चित रूप से अयोध्या एक बड़ा नाम है, बड़ी जगह है और बड़ी जगह के साथ साथ एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है हिंदू धर्म के लिए। तो निश्चित रूप से गौरव, बेगमपुरा स्थित दलित मनी राम के घर पर आज भोजन भी किया है सीएम ने, इसके पीछे क्या उद्देश्य समझा जाए? जी देखिए, उद्देश्य केवल यहाँ पर एक ही है कि बीजेपी का जो टैगलाइन है सबका साथ सबका विकास, इसी टैगलाइन के हिसाब से, इसी आधार के हिसाब से चलती है। और हमने लगातार देख रहा है जहाँ भी बीजेपी के बड़े नेता जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, केंद्रीय मंत्री जाते हैं, वहाँ पर वो लगातार दलितों के यहाँ और पिछड़ी जाति के भोजन करते हैं। उनका खास संदेश होता है कि बीजेपी केवल ब्राह्मणों की, केवल ठाकुरों की, केवल बनियों की, केवल समाज की पार्टी नहीं है। बीजेपी पार्टी सभी वर्गों की पार्टी है और सभी वर्गों को लेकर चलना जानती है और इसी के तहत वो विशेष रूप से दलित के यहाँ, पिछड़े वर्ग के यहाँ भोजन करते हैं और एक आपसी सौहार्द को भी बढ़ाते हैं और बताते भी हैं अपने माध्यम से, भोजन करने के माध्यम से, कि हम जो बीजेपी पार्टी है वो हमेशा आपके साथ खड़ी है और हमेशा आपके लिए काम करती नजर आएगी भविष्य में भी। जी गौरव, सीएम जो निर्माण कार्य राम मंदिर का उस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, आज जब अयोध्या पहुंचे हैं तो योगी सर्किट हाउस में संतों से मुलाकात भी करेंगे, इसका कितना असर पड़ेगा?
नहीं देखिए, संतों से भाई अयोध्या जाना है, मैं आपको बता, पौराणिक नगरी है और ऐतिहासिक महत्व भी है, और साथ ही साथ वहाँ पर जब अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ के दर्शन किए हैं, तो संतों से मुलाकात करेंगे। संतों की भी एक मन में एक इच्छा रहती है कि योगी अगर आदित्यनाथ, चूँकि वो उनका एक महत्व महंत भी हैं, गोरखनाथ मंदिर के पीठेश्वर भी हैं, तो एक उनकी संत की छवि भी है, और संत की छवि एक संत के रूप में वो संतों से वहाँ मिलते भी हैं, मुख्यमंत्री भी है, तो मुख्यमंत्री का एक अलग महत्व है, पर साथ ही साथ वो संत भी हैं, तो इसी संतों से मुलाकात भी करके समस्याओं को समझेंगे, और साथ ही साथ राम मंदिर में निर्माण प्रक्रिया कितनी तेज चल रही है, योजनाएं कैसे तेज चल रही है, क्योंकि अयोध्या में हम देख रहे हैं लगातार निर्माण कार्य जारी है, चाहे वो रोड की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे सीवेज की बात करें, क्योंकि अयोध्या को एक बेहतरीन ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, और आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण कार्य भी वहाँ पर होंगे, और आने वाले समय में युग यात्रा लगातार अयोध्या जाएंगे भी, वहाँ पर योजनाओं की समीक्षा करते नजर भी आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो सीधे तौर पे विकास कार्यों की सीएम ने जांच की और साथ ही साथ रामनगरी पहुंचे हैं, तो वहां पे संतों से भी मुलाकात करेंगे अयोध्या में, और रामनगरी में रामलला के दर्शन करे बिना और हनुमानगढ़ी में माथा टेके बिना तो सीएम कभी आते ही नहीं है, और वैसा ही दर्शन इस बार फिर भी देखने को मिला। उन्नाव के दौरे पर यूपी सरकार के तीन मंत्री हैं, मंत्री सुरेश खन्ना, दानिश आजाद और मंत्री दिनेश खटीक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डायलिसिस वार्ड में गंदगी देखकर मंत्री भड़क गए। इसी के साथ मंत्रियों ने मरीजों का हाल भी जाना। इसके अलावा नेतुआ गांव में कान्हा गौशाला का निरीक्षण भी किया। बता दें कि मौके पर सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलों में जाके निरीक्षण कर रहे हैं, सीएम ने निर्देश भी दिया है लगातार दौरों पर रहने का, और उसी का पालन किया जा रहा है। तो वहीं अब उन्नाव में तीन मंत्रियों की मौजूदगी दर्ज की गई है, मंत्री सुरेश खन्ना, दानिश आजाद और मंत्री दिनेश खटीक जिले पर पहुंचे और वहां का भ्रमण किया, अस्पतालों का निरीक्षण भी किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की जमानत पर फैसला ना आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान 87 में से 86 मामलों में जमानत पा चुके हैं, 137 दिन से फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन फैसला आया नहीं, ये न्यायिक प्रक्रिया का मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करी है, हाई कोर्ट ने जिस तरह से फैसला तो सुरक्षित रख लिया है, लेकिन अभी तक 137 दिन बीत जाने के बाद भी अभी कोई फैसला नहीं आया है, क्योंकि जो मामले थे उनमें तो जमानत मिल गई है, लेकिन एक मामला अभी है जिसपे फैसला भी नहीं आया है। 87 में से 86 मामलों पे जमानत मिल चुकी है, एक मामला ऐसा है जिसमें ना जमानत मिली है ना ही कोई फैसला आया है। हाईकोर्ट को सख्त आदेश दिया गया है कि अब उसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, वरना खुद सुप्रीम कोर्ट अब इसमें फैसला लेगा। और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, 87 में से 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन 137 दिन बीत गए हैं, अभी भी फैसला सामने नहीं आया है, फैसला सुरक्षित तो रखा गया है, किस तरह से देखते हैं आखिर इतना समय क्यों लग रहा है फैसला लेने में? हीला बहाली का माहौल तो है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, याचिका उन्होंने किसी केस के माध्यम के नहीं, उन्होंने याचिका ये दाखिल की है कि हमको 88 मामलों में से 86 मामलों में हमको मिल चुका है, पर एक मामला है, शत्रु संपत्ति का मामला है, उस मामले में 133 दिन से लगातार फैसला टाला जा रहा है, और केवल एक मामले में जमानत ना मिलने के कारण अब तक वो जेल बंद है, 2 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, इसलिए उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज हाईकोर्ट को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि आप इतने समय से एक मामले पर 137 दिन हो चुके हैं, आप उसमें फैसला क्यों नहीं दे पा रहे हैं, मुवक्किल जो भी है, जो भी वादी है, उसकी सभी मामलों में जमानत हो चुकी है, एक मामला बाकी है, आप उस पर सीधे फैसला करिए। 5 मई को सुनवाई थी, उस पर भी कोई फैसला नहीं आया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज हाईकोर्ट को फटकार भी लगाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर आप इस मामले में सुनवाई नहीं करेंगे, फैसला नहीं देंगे, तो हम भी इस मामले में सुनवाई कर सकते हैं, आगे फैसला दे सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी है उसके लिए 11 मई का सुनवाई का दिन मुकद्दर किया गया है, उसके पहले हाईकोर्ट भी सुनवाई करेगा, और सिर्फ से यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद आजम खान को यहाँ पर राहत मिल सकती है, शत्रु संपत्ति वाले मामले जो एक मामला उनका भी जमानत नहीं हो पाई है। जी गौरव, अब अगली सुनवाई कब होनी है इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से?
देखिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अभी 11 मई को होनी है, जो कि याचिका दाखिल की गई है। हाई कोर्ट की सुनवाई 5 मई को हुई थी। अभी माना जा रहा है कि अभी कोई डेट नहीं, उनको स्पष्ट नहीं मिल पाई है, पर माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के पहले उनको डेट दी जाएगी। पर सुप्रीम कोर्ट जब 11 मई को सुनवाई करेगा तो इसी फिर पक्ष रखेगा, और हाईकोर्ट उस समय तक कोई याचिका में सुनवाई नहीं करता है या जमानत नहीं देता है या उस पर फैसला नहीं देता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि इस मामले को अपने पास ग्रहण करेगा और खुद सुनवाई करेगा इस मामले को, जैसे कि उन्होंने हाईकोर्ट को आ रहे हाथों लेते हुए कहा है। जी, जिस तरह से लगातार कई लोग मांग कर रहे थे रिहाई की, और अब ऐसा लग भी रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर करी है, अब लग रहा है कि जमानत हो जाएगी आजम खान की, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट की तरफ से जमानत हो जाती है तो सबसे बड़ी राहत किसको मिलेगी? राहत तो निश्चित रूप से आजम खान को ही मिलेगी, क्योंकि राहत आजम खान 2 साल से बंद है, और सबसे बड़ा मामला जो शत्रु संपत्ति का मामला है उसमें 137 दिन से लगातार सुनवाई हो रही है और अब तक उनको कोई राहत नहीं मिली है। मैं आपको बताया कि 87 केस उनके ऊपर लगे हुए थे, उसमें 86 केस में उनको जमानत मिल चुकी है, 1 केस उनका बाकी है, शत्रु संपत्ति वाला मामला है जिस पर लगातार सुनवाई चल रही है, और आजम खान भी उम्मीद कर सकते हैं कि 1 केस की सुनवाई के बाद अगर उसको जमानत का फैसला आता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आजम खान जेल से बाहर होंगे। जी, और जब आजम खान की जमानत हो जाएगी तो क्या देखने को मिल सकता है सपा में, क्योंकि सपा की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि हम भी आजम खान के साथ है। शिवपाल भी लगातार कह रहे थे कि आजम खान के साथ हम हैं, लेकिन सपा उनकी सेहत पे और उनकी रिहाई के लिए कुछ कर नहीं रही है, तो अगर वो रिहा हो जाते तो उसके बाद किस तरह की राजनीति देखने को मिल सकती है? सपा मतलब इसमें नाराजगी दौर जरूर, असंतोष की बात जरूर कही, क्योंकि हमें आपको बताया था कि आजम पिछले 8 अप्रैल की अगर मैं बात करूँ तो जो आजम खान के मीडिया प्रभारी हैं फजाद अली, उन्होंने बड़ा बयान जारी किया, उन्होंने कहा था अखिलेश यादव को हमारे कपड़ों से बदबू आती है और अखिलेश यादव आजम खान से मिलने भी नहीं गए हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको उनके लिए मांग करना चाहिए, चाहे तो मांग कर सकते हैं। इसके अलावा कई, अगर आप ऑल इंडिया पर्सनल लोन की बात करें तो वहाँ से चिट्ठी लागू हुई थी। इसके अलावा एक जो आपकी संस्था है उसने चिट्ठी जारी की, उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह चाहे तो वो भी पहल कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से अच्छी उनकी संबंध है, वो भी आजम खान की रिहाई के लिए बात कर सकते हैं। अलावा एक चिट्ठी के माध्यम से जो रिजवी साहब ने चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ एक संत है, वो संत की तरह व्यवहार करते हुए आजम खान को राहत है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर व्यवस्था बनाई है, पर कहीं ना कहीं सपा के खिलाफ असंतोष की भावना भी यहाँ पर लगी है, क्योंकि आजम खान मामले को लेकर तमाम धर्म गुरुओं ने, तमाम जो है जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं या मुस्लिम वर्ग के जो बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने नाराजगी जताई थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव की जो इस समय व्यवस्था है वो इस तरह वहाँ पर जा नहीं रहे, मिल नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं संतोष का माहौल भी है, और नाराजगी आने वाले समय में कहाँ तक रंग लाती है, कहाँ तक होती है, सपा डैमेज कंट्रोल कहाँ तक पूरा कर पाती है, तो आने वाला पक्ष बताएगा। क्योंकि आजम खान भी अभी जब हाल में ही कई लोग आजम खान से मिलने गए थे तो कई आजम खान ने कई लोगों से मुलाकात भी नहीं की थी, तो कहीं ना कहीं अब इस बार समीकरण बदलने की उम्मीद भी रहेगी कि समाजवादी पार्टी आजम खान की नाराजगी दूर कैसे करती है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार अब तक आजम खान से जेल में मिलने के लिए अखिलेश यादव एक बार गए हैं, और इस बात को लेकर कई लोगों ने इस्तीफा भी दिया है और चिट्ठी के माध्यम से भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं जल्द ही ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही आजम खान की रिहाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट ने भी, क्योंकि अब इस मामले में अपनी नाराजगी जाहिर करी है और जल्दी फैसले की बात भी कही है। रायबरेली में कलयुगी पिता की करतूत सामने आई है। कलयुगी पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि 18 वर्षीय युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना गुरपक्षगंज थाना क्षेत्र के कुर्मियामऊ की है। एक पिता ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है, रायबरेली से ये खबर सामने आ रही है। कलयुगी पिता की करतूत देखने को मिली है, और आपको बता दें कि 18 वर्षीय बेटी को मौत के घाट उतारा गया है और कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजय प्रताप जुड़ चुके हैं रायबरेली से। अजय, पूरा मामला क्या बताया जा रहा है, आखिर हत्या के पीछे की वजह क्या बताई गई? जी, मामला जो है गुरपक्षगंज थाना क्षेत्र के कुर्मियामऊ का है, जो कि प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है कि गांव के एक ही लड़के थे प्रेम प्रसंग था इसका, जिसे शादी करना चाहते थे और परिवारजनों को ये पसंद नहीं था। पिता इसको कई बार समझाए भी लेकिन ना मानने पर पिता जो आज इसके एक कदम उठाना पड़ा इनको, क्योंकि जो है और पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, संबंधित धाराओं में मुकदमा लिखकर इनको जेल भेज दिया है। क्योंकि बताया जा रहा है कि लड़की जो है काफी दिन समझाया बुझाया जा रहा था, लड़की जो खेत में पिताजी को खाना लेके गई थी वहीं पर चाकू से गला रेत कर मौत के घाट उतारा गया है।
जी कितने समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और क्या युवक के घर वालों को इस बारे में जानकारी थी? जी आपको बता दें कि लगभग कई वर्षों से चलता चला रहा है, 3-4 वर्षों से चलता चला रहा है, क्योंकि जब घर वालों को पता चला तब समझाने का प्रयास किया गया, क्योंकि जो पुलिस के माने तो पुलिस ने यही कहना है कि परिजन जो है इनको बहुत समझाया, उसके बाद भी नहीं समझ में आया, वो अपनी बेटी को समझाते रहे, नहीं समझाने पर मौत के घाट उतारने पर मजबूर हुए। कहीं ना कहीं एक दृष्टा देखी जाए तो चाल चलन को लेकर ही ये कदम उठाया गया घर वालों। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजय प्रताप सिंह जुड़े थे रायबरेली से। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।